Hello friends, welcome to Education Shelf Live. Myself Dr. Riddhi Agrawal and I am here to take an important topic today, that is about Nobel Prize. So Nobel Prize jo hai char fields mein already diye ja chuke hain: physics, chemistry, physiology or you can say medicine aur Nobel Peace Prize. Literature ka is saal nahi diya jayega. Kyon? Wo main aapko lecture ke jab hamara topic aayega literature wala tab bataungi. और इकोनॉमिक्स का जो है वो अभी देना बाकी है. सो लेट्स बिगिन कि नोबेल प्राइज़ है क्या, किसने दिया, क्यों दिया. सो अल्फ्रेड नोबेल वॉज बॉर्न ऑन 21 अक्टूबर 1833 इन स्टॉकहोम स्वीडन इनटू अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स. तो अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम से प्राइज़ है, उनका बर्थ कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में एक इंजीनियर्स की फैमिली में उन्होंने जन्म लिया था. And he himself was a chemist, engineer and inventor. वो तीनों चीज़ थे, वो chemist भी थे, engineer भी थे और inventor भी थे. In 1894 he purchased the Bofors iron and steel mill. तो अब हुआ क्या, 1894 में उन्होंने एक Bofors iron और steel mill खरीदी, which he made into a major armaments manufacturer. जिसमें उन्होंने इस मिल को जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मामेंट मैन्युफैक्चरर बना दिया. आर्मामेंट मैन्युफैक्चरर मतलब वही हथियारों का मैन्युफैक्चरर जो होता है. ही ऑल्सो इन्वेंटेड बैलिस्टाइट, उन्होंने बैलिस्टाइट भी इन्वेंट किया. व्हाट इज बैलिस्टाइट? इट इज़ अ स्मोकलेस प्रोपेलेंट मेड फ्रॉम टू हाई एक्सप्लोजिव, दैट इज नाइट्रोसेलुलोज एंड नाइट्रोग्लिसराइन. तो नाइट्रोसेलुलोज और नाइट्रोग्लिसराइन का बना हुआ रहता है ये स्मोकलेस प्रोपेलेंट है जो दो बड़े बड़े एक्सप्लोजिव से बना हुआ है. Now this invention was a precursor to many smokeless military explosives, especially the British smokeless powder cordite. तो ये जो बैलिस्टाइट इन्होंने इन्वेंट किया था, इसकी वजह से जो आज बहुत सारे स्मोकलेस मिलिट्री एक्सप्लोजिव हैं वो इसी की वजह से बन रहे हैं, ठीक है. Now what happened in 1888, ठीक है. हाँ, फिर ही उन्होंने क्या किया उसके बाद, as a consequence of his patent claims he was eventually involved in a patent infringement lawsuit over cordite. उनके ऊपर फिर पेटेंट का जो है, उन्होंने पेटेंट करवाया अपने इस क्लेम को, ठीक है. तो उसकी वजह से वो एक पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट लॉसूट में भी फंस गए थे, ठीक है, एक किसी कार्रवाई में फंस गए थे वो. देन ही अमास्ड अ फॉर्च्यून ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम विद मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ फ्रॉम हिज 355 इन्वेंशंस ऑफ विच डायनामाइट इज मोस्ट फेमस. उसके बाद उन्होंने ये आर्मामेंट मैन्युफैक्चरर तो वो बन ही गए थे, उन्होंने डायनामाइट बनाया जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है. डायनामाइट से बहुत ज़्यादा तबाही होती है, ये आप सबको पता होगा. इट इज़ एन एक्सप्लोजिव विच इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोग्लिसराइन, देन सॉर्बेंट्स लाइक शेल और क्ले एंड स्टेबलाइजर्स, इन तीनों चीज़ का बना हुआ होता है. और इसे जो है अल्फ्रेड नोबल ने बनाया था, इसको पेटेंट करवाया था उन्होंने 1867 में इन्होंने इसको पेटेंट करवा लिया था. तो अब क्या हुआ, इन्होंने ये बना दिया डायनामाइट, तो इससे बहुत तबाही होनी बाकी थी, ऑब्वियसली बहुत तबाही वाला मटेरियल था ये. सो हुआ क्या, 1888 में एक चीज़ घटी इनके साथ. नोबेल वॉज एस्टॉनिश्ड टू रीड हिज ओन ओबिचुअरी, जो श्रद्धांजलि या तीय की बैठक वगैरह जाती है आपके पेपर में, वो तो वो खुद की ओबिचुअरी पढ़ के बहुत एस्टॉनिश रह गए थे. द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, एक फ्रेंच न्यूज़पेपर में ये लाइन लिखी हुई थी कि जो मर्चेंट था डेथ का वो खुद मर गया है, ठीक है. सो एज इट वॉज अल्फ्रेड्स ब्रदर लुडविग हु हैड डाइड, द ओबिचुअरी वॉज 8 years premature. तो अब क्या है, लोग उसमें गलत छाप दिया था क्योंकि उस समय उनके जो भाई थे, बड़े भाई थे लुडविग, उनकी डेथ हुई थी. लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अल्फ्रेड नोबल की डेथ हो गई है, तो उन्होंने लिख दिया कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी कि मृत्यु का जो सूचक है, मतलब मृत्यु का जो एक तरह से देवता है, वो मर गया है. तो उन्हें वो पढ़ के इतना बड़ा धक्का लगा कि क्या उनके मरने के बाद लोग उन्हें इस तरह से जानेंगे, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि he would be remembered like this, कि he was a merchant of death. So इसीलिए उन्होंने अपनी जो will है, जो अपनी उन्होंने वसीयत है, वो change करी. On 10th December 1896 he died in his villa in San Remo, Italy from a cerebral hemorrhage. उसके 8 साल बाद, जब ये न्यूज़ छपी 1888 में, उसके 8 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी सेरेब्रल हेमरेज की वजह से. 63 years के थे.
उन्होंने काफी सारी विल्स लिखी अपने लाइफ टाइम में, काफी सारी उन्होंने वसीयत लिखी, एंड ही कंपोज द लास्ट ओवर अ ईयर बिफोर ही डाइड. उन्होंने लास्ट विल जो है वो एक साल में लिखी, जब वो मरे थे, जब उनकी डेथ हुई थी तब उन्होंने उस साल वो विल लिखी थी. तो उस विल की ही वजह है कि ये सारे नोबेल प्राइजेस हमारे पास हैं आज. बिकॉज हिज लास्ट विल इज स्पेसिफाइड दैट हिज फॉर्च्यून बी यूज टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ प्राइजेस फॉर दोज हु कन्फर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑन मैनकाइंड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस. तो मेनली उन्होंने ये लिखी थी जो अपनी उनकी लास्ट विल थी कि उन्होंने जितना भी पैसा कमाया है, ठीक है, जो भी उनकी फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून मतलब जो भी उनके पास संपत्ति है, उन सबको एक प्राइज देने के लिए एक सीरीज बनानी चाहिए प्राइजेस की, जिसमें ऐसे लोगों को प्राइज दिया जाए जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस इन पांचों कैटेगरी में ह्यूमन काइंड के को बहुत बेनिफिट दिया है, ग्रेटेस्ट बेनिफिट दिया है, उनके लिए एक सीरीज बननी चाहिए प्राइजेस की उनकी संपत्ति से. ये उनकी लास्ट इच्छा थी एक तरह से मान सकते हैं, ठीक है. सो In 19th century of the in the 19th century the noble family who were known for their innovations to the oil industry in Azerbaijan, they was the leading representative of foreign capital in Baku. तो बाकू में foreign capital को represent करने वाली सबसे बड़ी family थी noble family. Robert Noble जो थे he was the first foreign investor in the oil sector in Baku. Robert Noble जो थे वो first investor थे, foreign investor जिन्होंने बाकू में oil sector में invest किया था. और इन 1975 ही बॉट अ स्मॉल रिफाइनरी टू बाकू. फिर वो बाकू में एक छोटी सी रिफाइनरी लेके आए और इस वजह से उन्होंने एक फाउंडेशन रखी गई नोबल ब्रदर्स कंपनी की, और दैट वाज नेशनलाइज्ड बाय द बाकू काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिश्नर्स द कंपनी इन 1918. उसके बाद उसको नेशनलाइज किसने किया, नेशनलाइज करवाया गया उसको बाकू काउंसिल ऑफ पीपल कमिश्नर्स द कंपनी, ठीक है. हाँ सॉरी, बाकू काउंसिल ऑफ पीपल्स कमीशन ने उसको जो है नेशनलाइज किया, ठीक है. ये भाई थे अल्फ्रेड नोबल जो हैं उनके भाई थे ये. ओके, देन फिर हुआ क्या, अकॉर्डिंग 1920 में इस कंपनी को नेशनलाइज करवा दिया गया, ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, नोबल प्राइज इट वॉज फंडेड बाय किस, कौन फंड करता है नोबल प्राइज को, हमारे अल्फ्रेड नोबल का जो पर्सनल फॉर्च्यून है वो. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड टेस्टामेंट विच वॉज रेड इन स्टॉकहोम ऑन 30th December 1896, अ फाउंडेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अल्फ्रेड नोबल वुड रिवॉर्ड दोज हु सर्व ह्यूमैनिटी. तो उनके विल के अकॉर्डिंग यही था कि उनके द्वारा जो फाउंडेशन बनाई गई है वो ऐसे लोगों को रिवॉर्ड देगी जो ह्यूमैनिटी को, जो जो इंसानियत है उसे सर्व करते हैं. नाउ नोबल फाउंडेशन वॉज फाउंडेड एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन On 29th June 1900, so it has been 118 years. ये Nobel Foundation बनी है जिसके थ्रू prizes दिए जाते हैं, वो private organization की तरह सामने आई 29th June 1900 को. And its function is to manage the finances and administration of Nobel Prizes. तो इसका main function क्या है, obviously जो भी Nobel Prizes हैं उनके लिए finances और उनका administration करना. Now in accordance with Nobel's will, the primary task of foundation is to manage the fortune Noble left. तो उनके will के according सबसे पहला काम क्या है इस foundation का, कि जो भी वो संपत्ति छोड़ के गए हैं उन्हें कैसे manage करना है, उस संपत्ति को किस तरह से manage करना है, ठीक है. Now the foundation is not involved in the process of selecting the Nobel laureate. अब क्या पहले हुआ क्या था, रॉबर्ट और लुडविग नोबेल जो थे दे वर इन्वॉल्व इन ऑयल बिजनेसेस, ठीक है. जो इनके भाई थे दोनों वो ऑयल बिजनेसेस में इन्वॉल्व थे, उन्हें नोबेल प्राइज और इस सबसे कोई मतलब नहीं था. देन बट हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज दे इट वॉज द डिसीजन, दिस डिसीजन टू अलाउ विड्रॉवल ऑफ अल्फ्रेड्स मनी फ्रॉम बाकू दैट बिकेम द डिसिसिव फैक्टर दैट एनेबल्ड द नोबल प्राइजेस टू बी एस्टैब्लिश. तो ये डिसीजन था कि अल्फ्रेड का जो मनी है बाकू से वो हटा लिया जाएगा, और उसके बाद ये डिसिसिव फैक्टर लिया गया कि ये चीज़ जो है, जो उनका मनी है, जो उनका पैसा है अल्फ्रेड नोबल का, वो ऑयल बिजनेस में लगाने की बजाय नोबल प्राइज एस्टैब्लिश करने में लगाया जाएगा. Now the important task of Nobel Foundation is to market the prizes internationally and to oversee informal administration related to the prizes. तो दूसरा काम क्या था Nobel Foundation का, कि prizes को जो है internationally किस तरह से market किया जाए, और कोई भी informal administration नहीं होना चाहिए,
तो फाउंडेशन जो है वो ये इन्वॉल्व इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द नोबल लॉरिएट. नोबल लॉरिएट को सेलेक्ट करने का काम नोबल फाउंडेशन नहीं करती है, ठीक है. एक इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह है नोबल फाउंडेशन, की जो भी सेलेक्ट करेगा कि इन साल इनको नोबल प्राइजेस देना चाहिए, वो उनको नोबल प्राइज देती है, ठीक है. तो ये थे हमारे कि नोबल प्राइज, नोबल फाउंडेशन क्या है और नोबल प्राइज किस तरह से दिया जाता है. नाउ वी विल जम्प टू नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में नोबल प्राइज का क्या फंडा है. सो द नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इज अवॉर्डेड एनुअली. ऑब्वियसली जो सारे नोबल प्राइजेज हैं वो हर साल दिए जाते हैं बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज. तो ये देखो अवार्ड कौन करता है इनको, रॉयल स्वीडिश अकेडमी. और वो नोबल प्राइज जो है वो नोबल फाउंडेशन के थ्रू आता है, लेकिन रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो तय करती है कि किसको इस साल नोबेल प्राइज देना है. सो इट इज़ अवार्डेड एनुअली बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज टू साइंटिस्ट इन द वेरियस फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री. अलग अलग फील्ड्स में, ठीक है. पहली बार इसको अवार्ड किया गया था 1901 में टू जैकोबस हेनरिकस वॉन हॉफ ऑफ द नीदरलैंड्स फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉज ऑफ केमिकल डायनामिक्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इन सोल्यूशन. तो इनको किस वजह से दिया गया था, पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था, ये ध्यान रखने वाली बात है. किसको दिया था, जैकोबस हेनरिकस वॉन हॉफ को, नीदरलैंड्स के थे वो, क्योंकि उन्होंने केमिकल डायनामिक्स के कुछ लॉज की डिस्कवरी की थी और जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है हमारे सोल्यूशन में उसकी डिस्कवरी की थी. तो ये बात ध्यान रखनी है कि किसको दिया गया था पहला केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, ठीक है. अब आते हैं हम डायरेक्टली 2018 में किसे दिया गया है. सो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज हैज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2018 विद वन हाफ टू फ्रांसिस एच अर्नोल्ड फॉर द डायरेक्टेड इवोल्यूशन ऑफ एंजाइम, कि उन्होंने एंजाइम्स का जो है डायरेक्टेड इवोल्यूशन बताया. एंड अदर हाफ वॉज जॉइंटली अवार्डेड टू जॉर्ज पी स्मिथ ही एंड सर ग्रेगरी पी विंटर फॉर द फास्ट डिस्प्ले ऑफ पेप्टाइड्स एंड एंटीबॉडीज. पेप्टाइड्स और एंटीबॉडीज के फास्ट डिस्प्ले के लिए इन दोनों को दिया गया है, ठीक है. तो ये यूएस के हैं दोनों, ये दोनों यूएस के हैं और ही इज ऑफ यूके. तो जो आर्नोल्ड एच हैं, सॉरी फ्रांसिस एच आर्नोल्ड है, उन्होंने क्या किया है, शी इंट्रोड्यूस्ड रैंडम म्यूटेशंस इन द डीएनए ऑफ एंजाइम. एक एंजाइम के डीएनए में उन्होंने रैंडम म्यूटेशंस क्रिएट किए. देन द जीन्स वर इंसर्टेड इन टू बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस रैंडमली म्यूटेटेड एंजाइम. उसके बाद जीन्स को जो है बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया जिससे वो म्यूटेटेड एंजाइम प्रोड्यूस हो गए. थर्ड द म्यूटेटेड एंजाइम वर टेस्टेड. उसके बाद इन म्यूटेटेड एंजाइम्स की टेस्टिंग की गई. दोज दैट वर मोस्ट एफिशियंट एट कैटलाइजिंग द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन वर सेलेक्टेड. और ऐसे एंजाइम्स को सेलेक्ट कर लिया गया जो एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को अच्छी तरह से कैटलाइज करवा रहे थे. रेस्ट बाकियों को डिस्कार्ड कर दिया गया. एंड दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड अगेन एंड अगेन अंटिल द एंजाइम विच गेव द बेस्ट रिजल्ट वर अराइव एट. और उसके बाद उन्होंने ये बहुत बार इस प्रोसेस को जो है मल्टीप्लाई करती गई करती गई करती गई जब तक वो एक ऐसे एंजाइम पे नहीं पहुंच गई जिसने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिए. इस मेथड को हम बोलते हैं डायरेक्टेड इवोल्यूशन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने इवोल्यूशन करवाया उसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड इवोल्यूशन. नाउ इवोल्यूशन की वजह से दो हमारी जो कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं. जैसे फिश जो है इट कैन स्विम इन पोलर ओशियंस एज दे हैव डेवलप्ड एंटी फ्रीज प्रोटीन्स. देन आर्नोल्ड ने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि भाई जो कुछ फिश होती हैं वो पोलर ओशियंस में कैसे मूव कर लेती हैं, कैसे स्विम कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास एंटी फ्रीज प्रोटीन्स होते हैं जिससे वो जमती नहीं है उसमें. तो आर्नोल्ड ने यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया बेटर एंजाइम्स बनाने के. Now, what does they both have done, George P. Smith and Sir Gregory P. Winter? Smith and Winter applied this technique to create better antibodies. उन्होंने यही टेक्निक यूज़ करके क्या बनाई, एक बहुत ही बेहतरीन एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर की. एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, दे आर द प्रोटीन्स दैट फंक्शन लाइक टारगेटेड मिसाइल्स. एक ऐसी प्रोटीन्स होते हैं ये जो टारगेटेड मिसाइल, एक पर्टिकुलर टारगेट पर हमने सेट कर दिया किसी मिसाइल को, उसकी तरह काम करते हैं. दे कैन प्रिसाइसली आइडेंटिफाई एंड बाइंड टू द वायरस और बैक्टीरिया दैट इन्फेक्ट अस. तो वो एक पर्टिकुलर एंजाइम, पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पर्टिकुलर वायरस पे जाके अटैच हो सकती हैं जो हमें इन्फेक्शन देते हैं. सो व्हेन एन एंटीबॉडी अटैचेस टू देम इट सेंड्स अ सिग्नल टू एग्रेसिव इम्यून सेल्स टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडर्स. तो एंटीबॉडी जब उन पर अटैच कर जाती है तो वो इम्यून सेल्स को एक सिग्नल भेजती है जो फिर आके उस बैक्टीरिया या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. इसीलिए हमारे इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन से फाइट करती है.
So the stronger the antibodies that get attached to the target, the more effective the cure will be. Obviously, जितनी ज्यादा strong antibody होगी उतना ज्यादा हम जल्दी जो है cure कर पाएंगे किसी भी इंसान को. So Winter used Arnold's directed evolution technique to develop better drugs to treat autoimmune diseases and even to cure the metastatic cancer. Metastatic cancer क्या होता है? Metastatic cancer is that cancer, malignant होता है most commonly. जैसे suppose करो आपके हाथ पे एक cancer हो गया, एक फोड़ा सा बन गया आपके हाथ पे, फिर आपने उसको क्लियर ऑफ करवा दिया, डॉक्टर से सर्जरी करवा दी, बट उसके कुछ पार्टिकल्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाके दूसरी तरफ लॉज हो गए और उन्होंने वहां पे फोड़ा बना लिया, वो वहां पे आउट ग्रोथ करवा दी, तो उसको बोलते हैं मेटास्टैटिक कैंसर, जो हमारी पूरी बॉडी में हर तरफ घूमता रहता है. तो उन्होंने इस तरह की एंटीबॉडीज बनाई जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज आर दोज डिजीज विच इफेक्ट्स आवर ओन इम्यून सिस्टम, जो हमारी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है उसे कम करती हैं, ऐसी डिजीज होती है एंटी इम्यून, ऑटो इम्यून डिजीज. तो ऑटो इम्यून डिजीजेस से लड़ने के लिए और मेटास्टेटिक कैंसर को क्योर करने के लिए उन्होंने अच्छे ड्रग्स की जो है डेवलप किए इस आर्नोल्ड की टेक्निक को लेके. ठीक है, देन नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. सो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इज ईयरली अवार्ड, इट इज ऑल्सो एन ईयरली अवार्ड एंड इट इज गिवन बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस. किन साइंटिस्ट को? जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं फिजिक्स की फील्ड में. फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में, इट वॉज अवार्डेड टू फिजिसिस्ट विलहेम रॉन्जन. विलहेम रॉन्जन का आपने नाम सुना होगा. इन रिकॉग्निशन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस ही रेंडर्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ रिमार्केबल रेज और एक्स रेज, जिसे हम एक्स रे बोलते हैं, हम बोलते हैं ना हम एक्स रे कराने जा रहे हैं, तो वो जो आपको मिलता है ना, जो आपको किसी भी चीज़ का आप एक्स रे कराते हो तो आपको जो मिलता है ब्लैक कलर का, वो एक्स रे नहीं होता. एक्स रेज वो रेज होती है जो आपके थ्रू पास की जाती हैं. तो एक्स रेज की डिस्कवरी की थी विलियम रॉन्जन ने और उन्हें पहला प्राइज मिला था फिजिक्स का. ये भी जो है आई थिंक नाइट, हाँ इट वॉज ऑल्सो अवार्डेड फर्स्ट इन 1901, 1901 में मिला था ये भी. तो ये भी नाम ध्यान रखना है, विलियम विलहेम रॉन्जन, रॉन्जन रॉइंटगेन नहीं है, रॉन्जन है. नाउ 2018 प्राइज वॉज गिवन टू अमेरिकन साइंटिस्ट आर्थर आश्किन. ओके, आर्थर आश्किन इज दिस वन. देन फ्रेंच इंजीनियर गेरार्ड मौरू एंड कैनेडियन प्रोफेसर डाना स्ट्रिकलैंड, इन तीनों को दिया है क्योंकि इन्होंने लेजर फिजिक्स की फील्ड में काम किया है. नाउ मिस्टर अश्किन हु वाज 96 इयर्स ओल्ड, ही इज द ओल्डेस्ट मैन टू रिसीव द नोबेल प्राइज टिल नाउ. सबसे जो है ओल्ड नोबेल लॉरियट बन गए हैं ये. ठीक है, ही वॉज ऑनर्ड फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ ऑप्टिकल ट्वीजर्स दैट ग्रैब पार्टिकल्स एटम्स वायरसेज एंड अदर लिविंग सेल्स विद देयर लेजर बीम फिंगर्स. तो इन्होंने क्या है, ऑप्टिकल ट्विजर्स बनाए. ऑप्टिकल ट्विजर्स, ट्विजर्स क्या होता है, एक तरह से चिमटे की तरह होता है, ऐसे दो लगे रहते हैं तो उस चिमटे से आप जैसे रोटी पकड़ सकते हैं, तो वो ये चीज़ होती है ट्विजर्स भी. तो ऑप्टिकल ट्विजर्स बनाए इन्होंने जो अपनी लेजर फिंगर्स के थ्रू जो लिविंग सेल्स हैं उसमें से पार्टिकल्स एटम्स वायरसेस ये सब जो है पकड़ सकते हैं. एंड विद दिस ही वॉज एबल टू यूज द रेडिएशन प्रेशर ऑफ लाइट टू मूव फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, एन ओल्ड ड्रीम ऑफ साइंस फिक्शन. तो इसके थ्रू उन्होंने क्या किया, जो रेडिएशन प्रेशर था उसको यूज करके उन्होंने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स मूव करवाए, जो कि एक बहुत पुराना ड्रीम था जो पूरा नहीं हुआ था बट अब हो गया है. ठीक है, ही रियलाइज दैट अ लेजर बीम कैन मूव स्मॉल पार्टिकल्स. तो उनको लगा कि लेजर बीम जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को मूव करा सकती है आसानी से. सो व्हाट ही डज, ही इलिमिनेटेड अ स्फीयर यूजिंग लेजर एंड गॉट इट टू मूव. तो उन्होंने एक स्फीयर यानी कि एक गोला आकार कोई चीज को उन्होंने लेजर बीम उस पर डाली और उसको मूव कराया. सो ही ऑब्जर्व दैट द स्फीयर मूव टूवर्ड्स द बीम सेंटर वेयर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम. तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्फीयर है वो उस बीम के सेंटर पे, जैसे सपोज करो ये बीम आ रही है इतनी चौड़ी, तो इस बीम के सेंटर पे वो सबसे ज्यादा मूवमेंट दिखा रहा था क्योंकि इंटेंसिटी वहां सबसे ज्यादा थी. व्हेन ही फोकस द लेजर बीम विद अ लेंस, जब उन्होंने लेजर बीम को लेंस की थ्रू फोकस किया तो द स्फीयर गॉट ट्रैप्ड इन द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस. तो वो फोकल पॉइंट पे चला गया क्योंकि फोकल पॉइंट ऐसी जगह होती है जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रहती है. नाउ दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू ट्रैप स्मॉल पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया. तो इस तरह का मेथड जो ऑप्टिकल ट्विजर्स हैं जो उन्होंने डेवलप किया, उसे हम छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह उसे पकड़ सकते हैं इजीली. ठीक है,
तो उनको टच किए बिना हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं, उनको पुश कर सकते हैं, उनको स्मॉल कर सकते पुल कर सकते हैं, सॉरी पुश पुल, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उनको छुए. देन सेकेंड इज गेरार्ड मरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड. तो आधा प्राइस जो है वो इन्हें मिला है और आधा इन दोनों में जो है जॉइंटली इन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है. नाउ दे हैव बीन गिवन द नोबेल प्राइज फॉर पेविंग द वे टुवर्ड्स शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस लेजर पल्सेस. तो अब इन दोनों ने क्या किया है, डोना स्ट्रिकलैंड और गेरार्ड मरो ने, इन्होंने छोटी एकदम अल्ट्रा शॉर्ट जो होती हैं लेजर पल्सेस बनाई हैं, विच लीड टू ब्रॉड इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग आई ऑपरेशन, जो कि आई ऑपरेशन में भी बहुत मदद देंगी. नाउ लेजर लाइट जो है इट कैन बी एमिटेड इन शॉर्ट पल्सेस, हमें पता है छोटे छोटे ऐसे पल्सेस में आ सकती हैं, वो छोटे छोटे इंटरवल्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती हैं लेजर लाइट्स, बट दे कांट बी एम्पलीफाइड बियॉन्ड अ पॉइंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द मटीरियल. बट उनको बड़ा करना, एम्पलीफाई करना मतलब बड़ा करना एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाहर नामुमकिन हो जाता है क्योंकि मटीरियल जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है. बट स्ट्रिकलैंड एंड मोरूज न्यू टेक्निक विच इज नोन एज चर्ब्ड पल्स एम्पलीफिकेशन, CHIRPED, चर्ब्ड पल्स एम्पलीफिकेशन दैट इज CPA, हेल्प सॉल्व दिस थिंग. तो इस थिंग, इस चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नई टेक्निक निकाली जिसका नाम है CPA. So what happens in CPA, the short pulse from the laser was stretched in time and then amplified. So CPA में क्या किया है, short pulse को जो laser से आ रही थी उसको stretch किया गया, ठीक है, और उसके बाद उसे amplify किया गया. So when a pulse is stretched in time, its peak power is much lower, so the material is not destroyed. तो जब उसको time में स्ट्रेच किया जाता है तो उसकी जो पावर होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो मटीरियल है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता. एंड देन अगेन द एम्पलीफाइड पल्स इज देन स्क्वीज्ड एंड इन द एंड एज मोर लाइट इज पैक टुगेदर विद इन अ टाइनी एरिया द इंटेंसिटी ऑफ पल्सेस इंक्रीजेस ड्रामेटिकली. तो उस एम्पलीफाइड लेजर पल्स को जो है वापस से उसको छोटा कर दिया गया, दबा दिया गया, स्क्वीज कर दिया गया. तो अब क्या है, ज़्यादा लाइट पैक हो गई थी उस एरिया में क्योंकि उसको एम्पलीफाई कर दिया था पहले, फिर उसको छोटा किया तो ज़्यादा लाइट उसमें आ गई थी, तो उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत बढ़ गई थी. सो इसका यूज़ क्या हो सकता है कि जो हम अल्ट्रा शार्प लेज़र है वो ये है कि जो प्रिसाइज होल्स हैं मटीरियल्स में उन तक पहुँचने के काम में आ सकता है, उन्हें हम कट या ड्रिल कर सकते हैं, जैसे हमारी आँख का ऑपरेशन होता है तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर अगर हमें बीम देनी है तो वो हम अब इनके थ्रू दे सकते हैं, ठीक है. Then next prize is Nobel Prize in Physiology or Medicine. So it is also administered. It is administered by the Nobel Prize and is awarded yearly for outstanding discoveries in the field of life sciences and medicine. So medicine ki field mein diya jata hai ye. First one was awarded again in 1901 to the German physiologist Emil von Behring for his work on serum therapy and development of a vaccine against diphtheria. तो उन्होंने डिप्थीरिया के अगेंस्ट एक वैक्सीन डेवलप की थी और सीरम थेरेपी पे भी उन्होंने काम किया था, तो उसके लिए उन्हें पहला नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन का. द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट इज गर्टी कोराय रिसीव्ड इट इन 1947 मींस आफ्टर 46 ईयर्स फॉर हर रोल इन इलुसिडेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज विच इज इंपॉर्टेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. तो उन्हें किस लिए दिया गया था ये प्राइज, क्योंकि उन्होंने जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो समझाया था, और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हमारी मेडिसिन में काफ़ी काम में आता है, जैसे हमारे ट्रीटमेंट डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी ग्लूकोज का लेवल हमें पता होना चाहिए तभी हम ट्रीटमेंट आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. नाउ 2018 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन जॉइंटली अवार्डेड टू जेम्स पी एलिसन ऑफ US एंड तासुकु होंजो ऑफ जापान बाय द नोबल कमिटी ऑफ कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट. कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की जो नोबल कमिटी है उन्होंने इन दोनों को नोबल प्राइज़ अवार्ड किया है. तो इन्होंने क्या किया है, दे हैव रिसर्च इनटू हाउ द बॉडीज नेचुरल डिफेंसेस कैन फाइट कैंसर. तो इन्होंने एक ऐसे ब्रेक्स का, एक मेटाफोरिकल ब्रेक्स का पता लगाया जो हमारे इम्यून सेल्स को कैंसर सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करने से रोक देते हैं. तो उनको इन ब्रेक्स को किस तरह से इनहिबिट किया जाए, किस तरह से रोका जाए, ये निकाला है इन्होंने मेथड. सो अनलाइक मोर ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट दैट डायरेक्टली टारगेट द कैंसर सेल्स, दे बोथ फिगर्ड आउट हाउ टू हेल्प द पेशेंट्स ओन इम्यून सिस्टम टैकल द कैंसर मोर क्विकली. तो ट्रेडिशनल फॉर्म्स क्या है कैंसर ट्रीटमेंट की, कि हम डायरेक्टली जो है कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं.
उससे हटके इन्होंने क्या किया कि पेशेंट का खुद का इम्यून सिस्टम जो है वही जो कैंसर सेल्स को है अगर टारगेट करेगा तो हम कैंसर जल्द से जल्द निकाल पाएंगे। नाउ द अवार्ड विनिंग डिस्कवरी लेड टू ट्रीटमेंट्स टारगेटिंग प्रोटीन्स मेड बाय सम इम्यून सेल्स दैट एक्ट एज ब्रेक ऑन द बॉडीज नेचुरल डिफेंस किलिंग कैंसर सेल्स। सो वही बताया कि इन्होंने ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रोटीन्स की खोज की जो ब्रेक की तरह काम करते हैं जो हमारी इम्यून सेल्स को मना कर देते हैं कि तुम कैंसर सेल्स पे एक्ट नहीं करोगी। नाउ देन अब इसमें क्या किया गया है, इन 1995 डॉक्टर एलिसन जो थे है सॉरी ही वॉज वन ऑफ द टू साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द CTLA-4 मॉलिक्यूल एज एन इनहिबिटरी रिसेप्टर ऑन टी सेल्स। तो डॉक्टर एलिसन ने 1995 में इन्होंने एक खोज की थी, उन्होंने एक प्रोटीन का पता लगाया CTLA-4, ये एक मॉलिक्यूल था जो कि टी सेल्स पे इनहिबिशन की तरह काम करता था, इनहिबिटरी रिसेप्टर था ये। टी सेल्स क्या है, दे आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट प्ले अ सेंट्रल रोल इन द बॉडीज नेचुरल इम्यूनिटी टू डिजीज। तो हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसमें बहुत बड़ा फंक्शन होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स। इनका नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम बोन मैरो एंड दे आर डिराइव फ्रॉम थाइमस, एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, तो इसीलिए उनका नाम दिया गया। तो ये हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी इम्यूनिटी में बहुत हेल्प करती है और उसको इनहिबिट कर देता है ये CTLA-4। नाउ सो ही रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ रिलीजिंग द ब्रेक एंड देयर बाय अनलीशिंग आर इम्यून सेल्स टू अटैक ट्यूमर्स। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इस ब्रेक को हटा दिया जाएगा तो हमारी इम्यून सेल्स हैं वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट आराम से काम कर सकती हैं। एंड अराउंड दैट सेम टाइम डॉक्टर होंजो डिस्कवर्ड प्रोटीन ऑन इम्यून सेल्स द लाइगेंड PD-1। और उसी टाइम पे डॉक्टर होंजो ने एक नया लाइगेंड जो है वो डिस्कवर किया PD-1 एंड इवेंचुअली ही ऑल्सो रियलाइज दैट इट ऑल्सो वर्कड एज अ ब्रेक। उन्होंने भी ये पता किया कि PD-1 जो है वो भी एक ब्रेक की तरह काम करता है, अगर उसको हटा दिया तो वो हमारे इम्यून सिस्टम में जो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट जो हमारी इम्यूनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि वो थोड़ा डिफरेंट टाइप से काम करता है बट दोनों का जगह जो है वो काम करता है। नाउ द नोबल जूरी सेड दैट फॉर मोर देन 100 ईयर्स साइंटिस्ट अटेम्प्टेड टू एंगेज द इम्यून सिस्टम इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर। तो लगभग 100 साल से ये चीज़ चल रही थी कि किस तरह से ऐसा कोई प्रोसीजर आ जाए जिससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही कैंसर सेल्स से लड़ ले, हमें और कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़े। तो अब वो सिस्टम आ गया है, ठीक है। नाउ लास्ट का नाउ सेकेंड लास्ट इज नोबल प्राइज इन लिटरेचर। सो नोबल प्राइज इन लिटरेचर, इट इज़ अ स्वीडिश लिटरेचर प्राइज दैट इज अवार्डेड एनुअली। इट हैज़ ऑल्सो बीन अवार्डेड सिंस 1901 टू एन ऑथर फ्रॉम एनी कंट्री। किसी भी कंट्री से एक ऑथर को यह अवार्ड दिया जाता है हु हैज़ इन द वर्ड्स ऑफ विल ऑफ स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट अल्फ्रेड नोबल प्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क इन एन आइडियल डायरेक्शन। जिस ऐसे ऑथर को दिया जाता है जिसने लिटरेचर की फील्ड में एक बहुत ही बढ़िया वर्क, एक आइडियल डायरेक्शन जो हमें दे सकता है ऐसा वर्क प्रोड्यूस किया है, अगर हम अल्फ्रेड नोबल की विल की बात माने तो, ठीक है। बट दिस अवार्ड विल नॉट बी गिवन इन 2018 बट टू अवार्ड्स विल बी गिवन इन 2019। तो 2018 में अवार्ड क्यों नहीं दिया गया है, व्हाट हैपेंड इन अप्रैल 2018 3 members of the Academy Board resigned in response to a sexual misconduct investigation involving author Jean Claude Arnold, who is married to board member Katarina Frostenson. तो Jean Claude Arnold जो हैं उन्हें आई थिंक 2017 का उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, मतलब नोबेल प्राइज़ वो था कि भाई उनको दिया जाने वाला था, आई थिंक 2018 का नोबेल प्राइज़ दिया जाने वाला था उन्हें, बट उन्हें क्या उनका क्या हुआ, नवंबर 2017 में मी टू मूवमेंट आया था, एक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मी टू मूवमेंट। तो उसमें 18 वुमेन्स जो हैं दे हैव अक्यूज अर्नॉल्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। तो उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट की, उन्होंने उनके साथ रेप किया है, इसका 18 वुमेन ने उनको अक्यूज़ किया। तो उनको दिया जाने वाला था यह अवार्ड, 2018 का अवार्ड उन्हें ही मिलने वाला था। सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्वीडिश अकेडमी है उन्होंने उनके साथ अपने सारे संबंध खत्म कर लिए, ठीक है। सो यही प्रॉब्लम हुई, इसीलिए जो है 2018 में ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये चक्कर हो गया मी टू मूवमेंट का, जिनको दिया जाने वाला था उनके ऊपर ये रेप के केसेस जो है वो चार्ज किए गए और उनसे वो नहीं बच पाए। सो 2019 में 2 अवार्ड दिए जाएंगे, देखते हैं कि अगले साल किसको ये 2 अवार्ड मिलते हैं। Now next is Nobel Peace Prize. So Nobel Peace Prize is one of the 5 Nobel Prizes
क्रिएटेड बाय द स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेंटर एंड आर्मामेंट्स मैन्युफैक्चरर अल्फ्रेड नोबल। बट एक चीज है इसमें कि जो नोबेल प्राइज है वो अलग जो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी है वो देती है, स्वीडिश कमिटी नहीं देती है। एक यही प्राइज है, नोबेल प्राइज है, जो कि नॉर्वे की कमिटी देती है। नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी गिव्स दिस प्राइज। बस एक यही फ़र्क है नोबेल पीस प्राइज और बाकी सारे नोबेल प्राइजेज में। नाउ एज पर अल्फ्रेड नोबल्स विल, द रेसिपिएंट इज सेलेक्टेड बाय नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी विच इज़ अ 5-member कमिटी अपॉइंटेड बाय पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे। तो ये जो कमिटी होती है इसको, ये 5-member की कमिटी होती है जिसे नॉर्वे का पार्लियामेंट अपॉइंट करता है, वो लोग ही, ये जो कमिटी है वो ही रेसिपियंट को सेलेक्ट करती है। नाउ द चेयरमैन ऑफ द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी प्रेजेंट्स द नोबेल पीस प्राइज इन द प्रेजेंस ऑफ किंग ऑफ नॉर्वे ऑन 10th December ईच ईयर। यानी कि जो एनिवर्सरी है नोबल्स की डेथ की उस समय ये दी जाती है। पीस प्राइज इज द ओनली प्राइज विच हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड इन स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता ये प्राइज, ये एक इकलौता प्राइज है जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, ठीक है। लेकिन इस साल तो अक्टूबर में दिया गया, वैसे 10 December को दिया जाता था पहले, बट अब डिफरेंट हो गया है, सब चीज़ बदलती रहती हैं, तो इस बार ये चीज़ बदल गई। इसके भी काफ़ी क्रिटिसिज्म आए थे, नोबेल प्राइज जो हैं उनके भी काफ़ी क्रिटिसिज्म आए थे, बट ये है कि हाँ चलो हो गया ख़त्म काम, इस साल नहीं आए, ठीक है। तो जो इस साल का नोबेल पीस प्राइज़ है वो किसे मिला है, द कॉन्गोलीज गायनाकोलॉजिस्ट डेनिस मकवेक हु वाज ट्रीटेड थाउजेंड्स ऑफ रेप विक्टिम्स। एंड सेकेंड इज टू नाडिया मुराद, शी वॉज इराकी याजिदी। एक इराकी याजिदी क्या है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ठीक है। तो उन्हें मिला है बिकॉज शी वॉज सोल्ड इन टू सेक्स स्लेवरी बाई आइसिस। जो आइसिस है उसने उन्हें सेक्स स्लेवरी में बेच दिया था, बट वो किसी तरह से वहाँ निकल के आ गई, और इन दोनों को जो है इस साल का नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। अच्छा एक बात बताओ, जो फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज था वो 1901 में दिया गया था फेडरिक पेसी और हेनरी डुनांट को, इन दोनों को दिया गया था, ठीक है। किस लिए दिया गया था, बिकॉज फॉर द इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ इन दोनों को दिया गया, फ्रेडरिक पैसे को दिया गया था, ठीक है। सो जो ये हमारा है 2018 का नोबेल प्राइज वो किसे दिया गया है, इन दोनों को दिया गया है। नाउ व्हाट दे हैव डन दिस गायनेकोलॉजिस्ट, he founded a hospital that helps survivors of sexual violence in DRC, that is Democratic Republic of Congo. तो Democratic Republic of Congo में उन्होंने एक hospital बनाया जो कि sexual violence की जो survivors हैं उनका treatment करता है। He is the first Congolese to win award. एक ये बहुत अच्छी बात है कि ये पहले Congolese बन गए हैं जिन्हें Peace Prize मिला है, Nobel Peace Prize. नाउ नाडिया मुराद, शी इज़ UN गुडविल एम्बेसडर है, वो UN यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर है, एंड शी इज़ अ मेम्बर ऑफ याजिदी माइनॉरिटी इन नदर्न इराक। नदर्न इराक में एक माइनॉरिटी है जिसको हम याजिदी माइनॉरिटी बोलते हैं, उनकी मेम्बर है ये, एंड शी वॉज हेल्ड एज अ सेक्स स्लेव बाई द इस्लामिक स्टेट। तो आइसिस ने इनको जो है सेक्स स्लेव की तरह रख रखा था, एंड शी इज़ द फर्स्ट इराकी अवॉर्डी ऑफ द पीस प्राइज। तो ये भी पहली इराकी अवॉर्डी हैं जिन्हें पीस प्राइज मिला है। Now Dr. Mukwege and his staff have treated thousands of sexual violence victim. He is also known as Dr. Miracle. तो इनका दूसरा नाम भी है, Dr. Miracle बोलते हैं। Why he is known as Dr. Miracle? Because of its ability to repair the damage inflicted on women due to rape. Rape की वजह से जो women का जो damage हो जाता है वो इसे पूरी तरीके से repair कर देते हैं। Now Murad, यानी कि जो Nadia Murad है, she has openly and courageously spoken about her suffering at the hands of IS. तो आइसिस ने जो इनके साथ किया उसका इन्होंने पूरी तरीके से खुल के इन्होंने बात करी। इन 2016 शी वॉज नेम्ड द UN's फर्स्ट गुडविल एम्बेसडर फॉर डिग्निटी ऑफ सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो डिग्निटी ऑफ सर्वाइवर्स है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसकी ये UN की पहली जो है गुडविल एम्बेसडर बनी थी 2016 में, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज जो है वो लास्ट ईयर 2017 में जो है वो इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स को दिया गया था, ठीक है।
ठीक है, तो पहला अवार्ड जो है वो फ्रेडरिक पैसे और हेनरी डुरांट को दिया गया था, और अभी रिसेंटली, अब तो रिसेंटली 2017 होगा ही नहीं, 2018 ही रहेगा क्योंकि इसका अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि नोबल पीस प्राइज ये एक ऐसा प्राइज है जो कि नॉर्वेजियन नोबल कमिटी देती है, बाकी सारी रॉयल साइंस जो स्वीडिश अकेडमी है रॉयल साइंसेस की वो देती है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस वो देती है। ठीक है, तो आई होप सारी क्लियर हो गए होंगे। हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ लिया और सारे नोबेल्स जो इस साल दिए गए हैं वो भी हमने कवर कर लिए। इकोनॉमिक का जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स का, वो 8 अक्टूबर को दिया जाएगा, तो वो हम अपने करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड द लेक्चर। अगर लेक्चर अच्छा लगा, मज़ा आया सब चीज़ पढ़ने में, तो लाइक का बटन दबा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो वीडियोज़, जो एक्स्ट्रा वीडियोज़ आते हैं वो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अगर आप लोग हमें ट्विटर, कोरा, फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इस लेक्चर की आपको PDF चाहिए तो वो PDF आपको 3 जगह मिलेगी, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा बट वो 3 जगह मिलेगी आपको, चाहे फेसबुक पेज से ले लो हमारे, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे मैं बता देती हूँ, फ्री PDF नाम का एक बटन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे जाना, वहाँ पे आपको इसकी PDF जो है सबसे ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो इन सब के लिंक हमारी सारी वेबसाइट, हमारी जो भी वेबसाइट है, हमारे सारे चैनल्स और हमारे सारे ग्रुप्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे। इसलिए टेंशन की देने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ पे लिंक है, कहाँ ढूंढे, कौन सी वेबसाइट है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वहाँ जाके क्लिक करके आप जिस जगह से, आप इन 3 जगह में से जिस भी जगह से आप लेना चाहते हो PDF ले सकते हो। ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट एनी लेक्चर ऑन एनी टॉपिक, इफ़ यू वॉन्ट अ लेक्चर ऑन एनी टॉपिक, देन यू कैन सजेस्ट योर टॉपिक इन दी कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप अपना टॉपिक बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।